तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप एक YouTube क्रिएटर हैं और आप अपने YouTube चैनल पर मोस्ट पॉपुलर जो आपकी वीडियो है उसको अपने चैनल के होम पेज पर सेट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, साइड पर एक शॉट, जैसे कि मैंने इन मोस्ट पॉपुलर वीडियो को सेट कर रखा है, आप भी इस तरह से सेट कर सकते हैं ताकि कोई भी आपके चैनल पर आए तो उसके सामने वही वीडियो देखें जो आपकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो है। तो ये सब कैसे हम सेट कर सकते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना ताकि आप कुछ मिस ना कर जाएं। तो चलिए, वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है जग्गी और आप देख रहे हैं टेक्निकल जग्गी यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए मेहमान आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल के होम पेज पर अपनी पॉपुलर वीडियो को कैसे सेट कर सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और अपने चैनल को लॉगिन कर लेना है। तो थ्री डॉट पर क्लिक करता हूँ और इसको डेस्कटॉप साइट पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए, आपको बिल्कुल ऐसा करना है और उसके बाद देखिए, आपको कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको कुछ समय वेट करना है। यहाँ पर नेक्स्ट पेज लोड हो रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज जो हमारा है वो इस तरह का आ रहा है सभी का। तो देखिए, आप पहले ये देखिए, मैंने यहाँ पर पॉपुलर अपलोड्स वाली सेक्शन लगाया हुआ है। यहाँ पर मेरी वो वीडियो है जो अदर वीडियो से सबसे अच्छी हैं, तो जो अभी रैंक कर रही हैं, जो टॉप पर है, यही वीडियो है। और उसके नीचे देखिए, आपको एक अपलोड का सेक्शन मिलेगा और उसके बाद शॉर्ट वीडियो का, फिर क्रिएटर प्लेलिस्ट का, फिर लाइव स्ट्रीम का। आप भी इस तरह से अपने चैनल पर ऐसे सेक्शन सेट कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। मैं यहां से इन सारे सेक्शन को रिमूव करूंगा आपके सामने और आपको फिर से इसको लगाकर दिखाऊंगा। तो देखिए, उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां देखिए कॉर्नर पर इस बॉक्स के थ्री डॉट मिलेंगे, इस पर क्लिक करूंगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद रिमूव सेक्शन कर दूंगा। तो ऐसे मैं वन बाई वन कर सभी सेक्शन रिमूव कर देता हूं जल्दी से। तो देखिए, आपने अगर इसे नहीं सेट कर रखा होगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले देखिए प्लस का आइकन आप देख रहे हैं, ऐड सेक्शन लिखा है यहाँ पर, आपको इस पर ही क्लिक करना है। ऐड सेक्शन लिखा है, इस पर क्लिक करना है। तो देखिए, यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हो गया है। यहाँ पर लिखा है अपलोड पॉपुलर अपलोड शॉर्ट वीडियो लाइव नाउ पास्ट लाइव स्ट्रीम। तो नीचे देखिए सिंगल प्लेलिस्ट ऐसा लिखा आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आपकी जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है आपके चैनल पर उसको आप सबसे पहले लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं सेकंड नंबर ऑप्शन है पॉपुलर अपलोड, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही देखिए, यहाँ पर मेरे जो चैनल की मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ हैं वो यहाँ पर आ गई हैं। तो इस तरह से आप भी अपने चैनल पर मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ को सेट कर सकते हैं। तो देखिए, उसके बाद आपको फिर से एक बार क्लिक करना है ऐड सेक्शन पर। तो अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट अपलोड कर देता हूँ, सेक्शन बना देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट का सेक्शन बना दिया है, ठीक है, जो मैंने चैनल पे शॉर्ट डाले हुए हैं उनका सेक्शन आ गया है। तो ऐसे ही करते मैं यहाँ पर देखिए ऐड सेक्शन पर क्लिक कर अपलोड पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मेरी जो रिसेंट वीडियो अपलोड है, जो अभी कुछ दिन पहले की है, वो यहाँ पर आ जाएंगी अगर मैं अपलोड पर क्लिक करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर पास्ट लाइव स्ट्रीम पर भी क्लिक कर देता हूँ। देखिए, खुद ब खुद ऑटोमेटिक यहाँ पर जो मैंने लाइव कर रखे हैं वो वाला सेक्शन यहाँ पर आ गया है। दोस्तों, आपको बस यहाँ क्लिक करना है और आपके चैनल के ऑटोमेटिक जैसे मोस्ट पॉपुलर जो आपकी वीडियोज़ हैं वो आ जाएगी अगर आप पॉपुलर पर क्लिक करते हैं। तो इस तरह से आपके सामने ये देखिए सेक्शन बन गए हैं, आप भी अगर ऐसे करते हैं तो ये बन जाएंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर देखिए पब्लिश लिखा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद मैं अब आपको दिखाऊंगा कि यूट्यूब के होम पेज पर मेरी वीडियो कैसे दिखेंगी आप सबको। तो देखिए, मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ से मैं यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ और अपने प्रोफाइल लोगो पर क्लिक कर देता हूँ ऊपर कॉर्नर पर, और यहाँ यूअर चैनल पर क्लिक किया। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो पॉपुलर अपलोड मैंने सेट कर रखी थी वो यहाँ पर आ गई हैं सबसे पहले।
तो देखिए इस तरह से आपकी भी पॉपुलर वीडियो यहाँ पर आ जाएंगी अगर आप इस तरह से करते हैं। तो उसके बाद मैंने शॉर्ट वाला सेक्शन सेलेक्ट किया था, देखिए शॉर्ट आ गए। उसके बाद देखेंगे अपलोड्स जो मेरी रिसेंटली अपलोड हुई हैं, तो नेक्स्ट लास्ट में पास्ट लाइव स्ट्रीम, ठीक है। इस तरह से आप भी अपने चैनल पर सेट कर सकते हैं बड़ी ही सिंपल तरीके से। तो दोस्तों वीडियो में जो भी बताया, अगर आपको उसमें कुछ ना समझ आया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो के जो मैंने जानकारी दी वो अच्छी आपको लगी तो प्लीज़ उसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।